बाबू सोना, या फिर आप किसी ड्रीम गर्ल के चक्कर में तो नहीं है ना? अगर हो भी ना तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करने वाली ये आपकी ड्रीम गर्ल आपको चूना लगा जाए। अब आप ऐसा सोचें कि मेरी वाली तो ऐसी नहीं है, मेरी वाली तो अलग है। हाँ, हो भी सकता है कि आपकी वाली ऐसी ना हो, पर लेकिन हम जिन ड्रीम गर्ल की बात कर रहे हैं ना, वो तो ऐसी ही निकली। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल नहीं देखी क्या आपने? कैसे आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल बनकर लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी आवाज से दीवाना बना देते थे। ठीक इसी की तर्ज पे इंदौर में भी एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, जहां पर ठगी का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जो इस तरह से लोगों को बरगलाकर अपनी ठगी की योजनाओं को अमली जामा पहनाते थे। और लोग इनकी ठगी को जब तक समझ पाते, तब तक इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती और वे लाखों रुपए गवा चुके होते। इस तरह की कई गैंग न सिर्फ इंदौर में वरन पूरे देश में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। इंदौर शहर के पौश इलाके विजयनगर थाना क्षेत्र में मौजूद ऑर्बिट मॉल में एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, जहां पर युवतियां युवकों से लुभावनी बातें करती हैं और अपने जाल में फंसाती हैं। इसका खुलासा भी तब हुआ जब एक 17 साल की नाबालिग युवती ने कॉल सेंटर में छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई, जिसके बाद कॉल सेंटर में पुलिस द्वारा दबिश दी गई। जहां पुलिस को मिली कॉल सेंटर की जानकारी के बाद पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक और उसकी प्रेमिका की भूमिका संदिग्ध होने पर उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कॉल सेंटर के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने फिलहाल अभी छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं कॉल सेंटर चलाने के दस्तावेज और अन्य जानकारी पुलिस अभी जुटा रही है। मौके से पुलिस ने मुख्य संचालक अतुल बोरकर और उसकी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। वहीं कॉल सेंटर में मिले दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बैंक खातों और अन्य जानकारी के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। पुलिस के लिए चुनौती है कि किस तरह की बातें करके ये युवतियां युवाओं को अपने जाल में फंसाती थीं, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। हमारे पास एक बालिका ने रिपोर्ट की थी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हुई है, तो उसी प्रकरण की विवेचना में हम वहाँ गए। तो छेड़छाड़ के प्रकरण में तो जो भी जांच है और उसमें जो भी कार्रवाई FIR वगैरह हम करेंगे, और बाकी की ये कॉल सेंटर में क्या काम होता है, जेन्युइन है नहीं है, उसकी ये सब हमारी जांच का विषय। और उसमें आगे कुछ भी आएगा तो हम उसकी उस पर कार्रवाई करेंगे। वो जगह कॉल सेंटर की तरह काम करती थी, तो वहाँ पे जैसे लोग कॉल करते थे और किसी न किसी विषय में एम्प्लॉयज से उनके जितने एम्प्लॉयज हैं वो फ़ोन कॉल के जरिए काम करते थे। क्या डिटेल में बात होती थी, क्या है उनके बिजनेस, सही है, लाइसेंस है, ये सब इसके विषय में हम जांच कर रहे हैं, और अगर जांच में कुछ भी निकलेगा तो उस पर हम कार्रवाई। कितने लोग थे कैबिन में? ऑफिस में आज तो वही अभी हमारे जाने के बाद 12-13 लोग थे, एम्प्लॉयज़ हैं, और उनकी लिस्ट वगैरह हम सब चेक कर रहे हैं कि क्या मैटर है, किस विषय में वो काम करते थे और उनके क्या बिजनेस टाइप है, और वो सब होगा। उसमें अगर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ निकलेगी जो गलत है तो उस पर फिर कार्रवाई की। अभी हमने दो अपने प्रिलिमिनरी तौर पर जो आदमी वहाँ पे काम करता है उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हैं, और उनसे पता चला है कुछ इन्फॉर्मेशन कि कुछ लोग दिल्ली में भी थे जिनसे टच में वो रहते थे जिनके साथ वो काम करते हैं। इन सारी बातों की विवेचना हम कर रहे हैं। जनरली ये लड़कियों अब कॉल सेंटर में बुलाते थे लोगों को, और कुछ फ़ोन कॉल्स के जरिए लोगों से बात करते थे, कुछ किसी विषय में बात, अपने अलग अलग विषय में बात होती थी। यही सब हमारी विवेचना का पार्ट है, इसको हम देखते हैं, कुछ भी निकलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इन सारी चीज़ों की जाँच हो रही कि क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते थे, PayTM के थ्रू होता था या बैंक के थ्रू होता था, ये सब के रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं, अगर कुछ भी निकलेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये एक बोनस पॉइंट के नाम से बोलते थे कि इतने पॉइंट जुड़ जाएंगे आप इतनी देर बात करोगे, ये सब आजकल ऐसी बहुत ऐप्स चलती हैं और बहुत ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू कॉलर जो हैं या कोई भी जो उस ऐप को यूज़ करता है उसके थ्रू कुछ भी वो फ़ोन कर सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू उनको कॉल के टाइम पे फ़ोन के पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। इसी सब संबंधित में ये भी शायद यहाँ पे कुछ काम होता था, तो वो सब हम जांच कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है। कॉल सेंटर अभी है वहाँ पे ऑर्बिट मॉल की सेकंड फ्लोर पे चल रहा है, और जो उनके क्या टाइप्स हैं दिल्ली में और क्या है वो सब हम जांच कर रहे हैं। तो मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा,
और इन झूठी और फर्जी ड्रीम गर्ल से दूर रहिएगा। जागरूक बनेंगे युवा तभी तो बचेंगे युवा।